लॉर्ड कृष्णा नमन लॉर्ड कृष्णा नमन माय ऑल डियर स्टूडेंट, माय ऑल डियर स्टूडेंट, टुडे वी डिस्कस अबाउट आवर न्यू रिवीजन चैप्टर फिजिकल एंड केमिकल चेंज बी आल्सो डिस्कस अबाउट इन दिस चैप्टर इन प्रीवियस क्लासेस सो टुडे वी रिवाइज इन एनसीआरटी बुक डियर स्टूडेंट, इन एन यू कैन एबल टू लर्न मोर अबाउट फिजिकल एंड कैमिकल चेंज प्यारे विद्यार्थियों आप पूरे मन से हर एक बर्ड को समझते हुए इस चैप्टर को दोबारा से समझेंगे तथा तो एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए तैयार करेंगे हम जो भी चैप्टर आपको रिवाइज कराएंगे आप उसके क्वेश्चन और आंसर अवश्य याद करेंगे एवरी डे यू कम एकरॉस मैनी चेंज इन योर सराउंडिंग प्रत्येक दिन हमारे सराउंडिंग में कोई ना कोई परिवर्तन होता रहता है दिस चेंज में इन्वॉल्व वन और मोर सब्स्टेंस यह चेंज जो है इन्वॉल्व होता है एक या एक से अधिक सबिस्टेंस में फॉर एग्जाम्पल योर मदर में आस्क यू टू डिजॉल्व शुगर आपकी मॉम आपसे पूछती हैं कि डिजॉल्व मतलब शुगर को पानी में डिजोल्व किया जाए इन वाटर टू मेक अ कोल्ड ड्रिंक जिससे कि आपके लिए क्या बनाया जाए कोल्ड ड्रिंक बनाया जाए मेकिंग अ शुगर सोल्यूशन इज आ चेंज तो यहाँ पर जो शुगर सोल्यूशन है वो क्या है चेंज है सिमिलरली सेटिंग कार्ड फ्रॉम मिल्क इज चेंज दूध से दही बनना भी क्या है चेंज है समटाइम मिल्क बिकम सॉर और कभी कभी दूध कैसा हो जाता है खट्टा हो जाता है सॉरिंग ऑफ मिल्क इज चेंज तो यहाँ पर दूध का खट्टा होना भी क्या है चेंज है स्ट्रेच्ड रबड़ बैंड आल्सो रिप्रजेंट अ चेंज यानी कि खिंची हुई रबड़ जो है वो भी एक क्या है चेंज है मेक अ लिस्ट ऑफ़ टेन चेंज यू हैव नोटिस अराउंड यू आप एक लिस्ट बनाइए डियर स्टूडेंट जिसमें जिसे आपने नोटिस किया हो ठीक है स्टूडेंट इन दिस चैप्टर बी सेल परफॉर्म सम एक्टिविटी एंड स्टडी द नेचर ऑफ दिस चेंज ब्रॉडली दिस चेंज आर टू काइंड फिजिकल एंड केमिकल चेंज यानी कि ये चेंज देखने को मिलते हैं ये दो प्रकार के होते हैं या तो वो फिजिकल होंगे या तो केमिकल होंगे ठीक है स्टूडेंट यहां पे एक पेपर पीस है जिसे काट दिया गया है ठीक है फिजिकल चेंज एक्टिविटी की बात करते हैं पहली एक्टिविटी कट अ पीस ऑफ पेपर ऑफ फोर स्क्वायर पीस कट ईच स्क्वायर पीस फर्दर इनटू फोर स्क्वायर पीस ले दिस पीस ऑन द फ्लोर और टेबल सो दैट द पीस एक्वायर द शेप ऑफ ओरिजिनल पीस यहाँ पर आपने ओरिजिनल जो पीस पेपर का था उसमें से बहुत सारे छोटे छोटे पीस बना दिए हैं ऑबियसली यू कैन नॉट जॉइन द पीस बैक टू मेक द ऑरिजिनल पीस यानी कि आप पहले जैसा पीस नहीं बना सकते है ना आप पहले जैसा नहीं कर सकते उसे बट इट देयर आ चेंज इन प्रॉपर्टी ऑफ अ पेपर लेकिन अब ये बदल चुका है इसकी प्रॉपर्टी बदल चुकी है इसमें फिजिकल चेंज हो गया है दूसरी एक्टिविटी की अगर हम बात करें कलेक्ट आ चौक डस्ट लेंग ऑन द फ्लोर नीयर द ब्लैकबोर्ड इन ऑर क्लास रूम और क्रश आमाल पीस ऑफ चौक इन टू डस्ट आपकी जो चौक होती है वो चौक पूरी तरह से डस्ट में कन्वर्ट हो चुकी है एंड अ लिटिल वाटर टू डस्ट टू मेक अ पेस्ट अब आप छोटा थो, सा वाटर मिलाइए रोल एट इन टू द सेप ऑफ पीस ऑफ चौक आप दोबारा से चौक बना लेंगे लेट्स इट ड्राई अब इसे सुखाइए डिड यू रिकवर चौक फ्रॉम द डस्ट आप डस्ट से दोबारा चौक बना पा रहे हैं या नहीं बना पा रहे हैं बताइए अगली एक्टिविटी है टेक सम आइस इन ग्लास और प्लास्टिक टम्बलर मेल्ट अस्मॉल पोर्सन ऑफ आइस बाई प्लेसिंग द टम्बलर इन द सन तो टेक सम आइस यानी कि सब कुछ आइस लीजिए ग्लास ट प्लास्टिक टम्बलर में मेल्ट इस्माल पोर्सन इसे uh, इसके छोटे से पोर्सन को मेल्ट होने दीजिए ऑफ आइस बाई प्लेसिंग द टम्बलर इन सन अगर आप बर्फ को सन के सन uh, लाइट में रखेंगे दैन वो सीधी सी बात है कि मेल्ट uh, होना स्टार्ट हो जाएगी यू हैव नाव आ मिक्सचर ऑफ आइस एंड वाटर नाव प्लेस द टम्बलर इन आ फ्रीजिंग मिक्सचर आइस प्लस कॉमन साल्ट ठीक है डच द बॉटर बिकम सॉलिड आइस बंस अगेन क्या ये दोबारा से सॉलिड हो सकता है अगर आपने आइस को मेल्ट किया है तो क्या आइस दोबारा से uh, मतलब सॉलिड हो सकती है प्लीज बताइए डियर स्टूडेंट नेक्स्ट एक्सटिविटी देखिए बॉयल सम वाटर इन अ कंटेनर एक कंटेनर uh, uh, में बाटर को बॉयल करिए डू यू सी द्रीम रिंग फ्राम द सरफेस ऑफ वाटर तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं राइजिंग फ्राम सरफेस ऑफ वाटर होल्ड एंड इनवर्टेड पैन बाई इट्स हैंडल ओवर द स्ट्रीम एट द सम डिस्टेंस फ्राम द बॉइलिंग वाटर ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ अ पैन डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर दे अगर आप पानी को कंटेनर में गर्म करते हैं तो आप देखते हैं कि यहाँ पर स्ट्रीम राइज होना स्टार्ट हो जाती है सरफेस पर वाटर होल्ड होने लगता है होल्ड एंड इन्वर्टेड पैन तो यहाँ पे वाटर होल्ड होने लगता है ओवर द स्ट्रीम एट सम डिस्टेंस फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर ऑब्जर्व द इनर सरफेस ऑफ पैन तो आप इसके अंदर की तरफ जब देखेंगे तो वहाँ पे वाटर की कुछ बूंदें दिखाई देंगी डू यू सी एनी ड्रॉपलेट ऑफ वाटर देयर तो आपने कभी कोई वाटर देखा है क्या नेक्स्ट एक्टिविटी की अगर हम बात करें तो बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है इसमें बी केयरफुल वाइलिंग हैंडलिंग आ फ्लेम होल्ड यूज हैक सो ब्लेड विद अ पेयर ऑफ टंग यहाँ पर आपको होल्ड करना है एक हैक सो ब्लेड को ब्लेड को है ना विद अ पेयर ऑफ टंग आपके हाथ में टंग होने चाहिए कीप द टिप ऑफ फ्री एंड आपका इसका टिप कैसा रखना है फ्री एंड में रखना है ऑफ द फ्लेम ऑफ़ गैस स्टोव वेट फॉर फ्यू मिनट कुछ देर का वेट करना है डज द कलर ऑफ टिप ऑफ द ब्लेड चेंज तो यहाँ पर जो टिप है डज द कलर ऑफ टिप ब्लेड ऑफ चेंज यानी कि जब आप इसे हीट करेंगे तो इसका कलर चेंज हो जाएगा भाई गर्म करोगे तो कैसा कलर आएगा बताओ जल्दी से हमें रिमूव द ब्लेड फ्रॉम द फ्लेम और इस ब्लेड को फ्लेम से हटा दो ऑब्जर्व द टिप वंस अगेन आफ्टर सम टाइम ऑफ दोबारा से इसकी टिप्स को स्टडी करो तो मुझे लगता है कि इसका कलर जो है रेड आएगा है ना स्टूडेंट डच इट गेट बैक इन ओरिजिनल कलर ये बाद में अपने ओरिजिनल कलर में आ जाएगा इन एक्टिविटी सिक्स पॉइंट वन यू शो देट द पेपर एंड पीस ऑफ चौक अंडर ब्रेंड चेंज इन साइज तो इनमें जब ये हीट करते हैं थोड़ा सा इनमें मतलब चेंज देखने को मिलता है इनके साइज़ में